हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेसन 19 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। बुक रीडिंग हम आपको करवा चुके हैं। बुक रीडिंग के बाद अब आपके कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इसके करने हैं। तो देखिए, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, वर्ड मीनिंग्स। मैनर्स, मैनर्स मीन्स होता है शिष्टाचार। मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। हैबिट्स, हैबिट्स मीन्स आदतें। हैबिट्स मीन्स आदतें। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना। रेस्पेक्ट मीन्स आदर करना। एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़ों का। एल्डर्स बड़ों का। मीट, मिलना, मीट, मिलना। प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया। थैंक यू, थैंक यू मीन्स धन्यवाद। सॉरी, सॉरी मीन्स माफ़ी मांगना। एक बार और देखते हैं। मैनर्स, मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। हैबिट्स आदतें। रेस्पेक्ट आदर करना। एल्डर्स बड़ों का। मीट मिलना। प्लीज कृपया। थैंक यू धन्यवाद। सॉरी माफ़ी मांगना। आगे देखते हैं। स्नीज, स्नीज मीन्स होता है छींकना। स्नीज मीन्स छींकना। पंचुअल, पंचुअल मीन्स समयनिष्ठ। पंचुअल मीन्स समयनिष्ठ, या फिर इसे हम समय का पाबंद भी कह सकते हैं। समय का पाबंद, क्या कह सकते हैं हम इसे, समय का पाबंद। क्यू, क्यू मीन्स लाइन। क्यू मीन्स लाइन। शेल्फ, शेल्फ मीन्स अलमारी। वॉल दीवार। हैप्पी खुश। नेवर कभी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करते हैं। स्नीज, स्नीज मीन्स छींकना। पंचुअल, पंचुअल मीन्स समयनिष्ठ या फिर समय का पाबंद। क्यू लाइन, शेल्फ अलमारी, वॉल दीवार, हैप्पी खुश, नेवर कभी नहीं। आगे देखते हैं, आगे इसके क्वेश्चन आंसर है। आगे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। व्हाट डू वी से इफ वी वांट समथिंग। व्हाट डू वी से, हम क्या कहते हैं इफ़ वी वांट समथिंग। यदि हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उसे क्या कहना चाहिए, तो हमें उसे कहना चाहिए वी से प्लीज। तो हमें उसे प्लीज़ कहते हैं इफ़ वी वांट समथिंग। यदि हम कुछ चाहते हैं, यदि हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसे प्लीज़ कहना चाहिए। व्हाट डू वी से व्हेन वी गेट समथिंग, जब हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, थैंक यू। क्या कहते हैं, थैंक यू। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे थैंक यू कहते हैं। व्हाट डू वी से इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग, हम क्या कहते हैं जब हम कुछ गलत काम कर देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं सॉरी। वी से सॉरी इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग, यदि हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए। वेयर पुट आवर बुक्स आफ्टर रीडिंग, हमें अपनी बुक्स पढ़ने के बाद कहाँ रखनी चाहिए। वी पुट आवर बुक्स ऑन द शेल्फ आफ्टर रीडिंग, हमें अपनी बुक्स शेल्फ के ऊपर रखनी चाहिए, अलमारी में रखनी चाहिए। पढ़ने के बाद हमें अपनी बुक्स हमेशा अलमारी में रखनी चाहिए। एक बार और रिपीट करते हैं। व्हाट डू वी से इफ़ वी वांट समथिंग, वी से प्लीज इफ़ वी वांट समथिंग। व्हाट डू वी से व्हेन वी गेट समथिंग, वी से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग। व्हाट डू वी से इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग, वी से सॉरी इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग। वेयर पुट आवर बुक्स आफ्टर रीडिंग, वी पुट आवर बुक्स ऑन द शेल्फ आफ्टर रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इस ईवीएस का कॉपी और बुक वर्क दोनों अपनी कॉपी में करेंगे। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।